सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश। मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे लिंगो टीवी जंगो मीडिया। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं हमारी YouTube चैनल में दी गई सुझावों के बारे में, दी गई प्रश्न के बारे में। मैं हमारी गुणवाना माइथोलॉजी अनुसार आप लोगों की जवाब और आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे तो मैं भी कोई बाहर से सीखा हुआ नहीं हूं या फिर जन्म से सीखा हुआ नहीं, मैं भी आके अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपनी सामाजिक रीति नीति को, अपनी सामाजिक साहित्य को पढ़ा, देखा, वर्तमान दोनों को मिला करके सबको देखा, उसके आधार पे आप लोगों को मैं यह तर्क देता हूँ, आप लोगों को यह ज्ञान को बताता हूँ। तो हमारी जो YouTube चैनल में शीतल स्वप्न के द्वारा एक प्रश्न किया गया है, कम से कम वो 8-9 प्रश्न किए हैं। तो ये प्रश्न, एक प्रश्न तो उसका मंडई वाला है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। अब दूसरा है विवाह संबंधित प्रश्न। मैं पिछले वीडियो में, हर वीडियो में मैं बता रहा था कि हर व्यवस्था के बारे में मैं धीरे धीरे करके एक एक को नियम दस्तूर के बारे में बताऊंगा कह के, लेकिन व्यस्तता ज्यादा हो गई है क्योंकि मैं समाज के साथ साथ अपने जो जड़ी बूटी मंत्र विद्या के साथ साथ गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लिए भी काम करता हूँ, राजनीति के मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ, जिसके वजह से मेरे को व्यस्तता की वजह से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमारा फील्ड वर्क रहता है, रोज रोज का कार्यक्रम रहता है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से मिलना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है, क्योंकि सत्ता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब जिस पद में मैं हूँ, लिंगो मुठुआ के पद में हूँ, तो मेरा भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से शंभू ने 88 पीढ़ी राज चलाया, तो उनके पीछे लिंगो का कुटुंब व्यवस्था था, गुंडलाई व्यवस्था था। लिंगो ने ऐसा कुटुंब व्यवस्था बनाई, ऐसी गुंडलाई व्यवस्था बनाई, जिसके चलते शंभू ने 88 पीढ़ी तक राजपाट चलाया। तो आज हमको ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी है कि शंभू और लिंगो की व्यवस्था जिस प्रकार से उस समय था, उस प्रकार से इस समय भी वो चले। आज हम ये मानते हैं, हमारे लोगों के मान्यता में, कि आपके आज की राज जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें ये माना जाता है कि राजनीतिक पद, जो राजनीतिक पद है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये राजनीतिक पद है, और दूसरा धार्मिक पद, सामाजिक पद, जैसे धार्मिक और सामाजिक पद में हर धर्म में हिंदुओं में शंकराचार्य हैं, मुस्लिम मौलाना है, ईसाइयों में पादरी हैं, तो फादर हैं, इस प्रकार से जो सामाजिक पद, तो आज की वर्तमान लोकतांत्रिक परिवेश में ये हो गया है कि जो धार्मिक पद है, जो सामाजिक पद में जो बैठे हैं, वो राजनीतिक पद से बड़ा है आज की वर्तमान। जैसे मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री शंकराचार्य से बड़ा नहीं हो सकता आज की वर्तमान स्थिति और वर्तमान दृष्टिकोण से। आज की कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है वह शंकराचार्य से बड़ा नहीं होगा, या शंकराचार्य अगर कहीं प्रधानमंत्री जी का मुलाकात होता है, भेंट होता है, तो शंकराचार्य उसको प्रणाम नहीं करेगा, बल्कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उनको प्रणाम करेगा, हर धर्म की, चाहे मौलाना हो चाहे फादर। यानी राजनीतिक पद जो है सामाजिक पद से छोटा है, लेकिन पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था क्या थी? आज इस प्रकार से शंकराचार्य हैं और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो पद है,
राजनीतिक पद और एक सामाजिक पद। लेकिन पहला जो हम पहले हमारा था सामाजिक पद था लिंगों का, राजनीतिक पद था समूह का। लेकिन हमारे उस समय की व्यवस्था में राजा को ही बड़ा माना जाता है, समूह को ही बड़ा माना जाता था। और समूह की व्यवस्था को चलाने के लिए लिंगो जो थे, जो सामाजिक पद थे, मुठवा, गायता, मांझी, प्रधान, ये जो हमारी सामाजिक पद थे, ये सब जो राजा के अंदर में आता था। अब राजा की एक अभिन्न अंग था, वो राजशाही का, राजतंत्र का एक अभिन्न अंग माना जाता था। और वो जो सब मिलके राजतंत्र को चलाया जाता। लेकिन आज की वर्तमान परिवेश ऐसा नहीं। तो आज हमको जब हम सामाजिक पद में जब हम हैं, मुठुआ की पद में हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने व्यवस्था को कायम करने के लिए अपना राजा बनाएं, अपना सत्ता बनाएं, और उनके लिए हम अपने समाज को, अपने अनुयायियों को हम मार्गदर्शन दे, जन चेतना लाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं उसी नैतिक जिम्मेदारी के चलते अपनी सत्ता की ओर, राजनीतिक से भी, सामाजिक से भी, हमारी जो भी हर क्षेत्र में हमारी सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे रूटीन डेली का हो जाता है, नित्य का रूटीन बन गया है। इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में अभी थोड़ा सी दिक्कत हो रहा है, अन्यथा मैं आप लोगों की जो प्रश्न है, आप लोगों की जो सवाल है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आता है, जो कमेंट बॉक्स में आता है, उनको सबको देख के भी मैं वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं बना पाता। लेकिन अब मैं समय इसके लिए, वीडियो के लिए भी समय निकालूंगा, और हर समय आप लोगों से मैं जुड़े रहने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों की हर जो क्वेश्चन है, हर जो समस्या है, उनके बारे में मैं आप लोगों को सही दिशा दे सकूं, सही जानकारी दे सकूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे, हर आज तक मैं जिस दिन से शुरू किया था, जन्म छठी का व्यवस्था को शुरू किया था, विवाह भी हो जाता, मृत्यु का भी हो जाता, प्लस हमारी देव जो मिलान होता है, कुंडा है, या फिर जो पेन पूर्वज का पेन मिलान है, इसके बारे में भी मैं आज तक बता चुका होता। समय के अभाव की वजह से मैं आप सभी से समा प्रार्थी हूँ, समय क्षमा मांग रहा हूँ। और मैं अब की बार हर समय आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। और जो कोई भी भाई हमारे लिंगो टीवी, जंगोम मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको समझ नहीं आती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल करें, ताकि हम आपको आपकी चाही गई जो जानकारी उसको दे सकें, और हम हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिलहाल जय लंकेश।